दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और सिराज को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आते ही मैदान में रोहित शर्मा बन गए महेंद्र सिंह धोनी और सिराज की गेंद पर एक ऐसा चमत्कारी डीआरएस लिया जिसे देखकर द्रविड़ तो क्या कोहली तक भी दंग रह गए थे। यहाँ तक कि दोस्तों सबको ऐसा लगने लगा कि रोहित शर्मा में एक पल के लिए धोनी की आत्मा तो नहीं आ गई। आखिरकार रोहित शर्मा के फैसले से कैसे मैच पलटा और सिराज की गेंदबाजी से भी चलिए आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित कोहली और धोनी तीनों में सबसे बेहतर खिलाड़ी और कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में आज से 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज नागपुर के मैदान से हो चुका है। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में दोनों ही कप्तान मैदान में उतरते हैं, पैट कमिंस टॉस जीतते हैं और बड़ी शान से टीम के लिए बल्लेबाजी चुनते हैं। खैर, आपको बता दें कि भारतीय टीम और भारतीय फैंस के लिए अच्छी खुशखबरी की बात ये थी कि टीम में सूर्य और केएस भरत का डेब्यू हुआ। पंत की जगह विकेटकीपर के तौर पर इस खिलाड़ी को लाया गया। खैर दोस्तों, जैसे ही मैच की शुरुआत होती है तो शमी आकर पहले ओवर में मात्र 2 रन देते हैं, लेकिन उसके बाद अगले ही ओवर की पहली गेंद पर सिराज कुछ ऐसा कर देते हैं कि पूरे मैच को रोकना तक पड़ जाता है। दोस्तों, सिराज के सामने उस्मान ख्वाजा होते हैं। 3 गेंदों पर 1 रन लगाने वाले उस्मान ख्वाजा इससे पहले कि रन लगाने के सपने भी देखते सिराज उन्हें आउट करने का जाल बुनते हैं और दोस्तों उसमें कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन अंपायर बीच में अड़ जाते हैं। दरअसल दोस्तों, दूसरे ओवर की इस पहली गेंद पर सिराज ज्यादा गणित न लगाते हुए उसे सीधा उस्मान ख्वाजा के पैड पर दे मारते हैं। दोस्तों, गेंद की रफ्तार भी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन गेंद थी ही कुछ ऐसी कि उस्मान ख्वाजा भी खेलने में पूरी तरीके से असमर्थ थे। गेंद जाकर सीधा उनके पैड पर लगती है, लेकिन बशर्ते इस बात के अंपायर फिर भी उनका साथ देते हैं और उन्हें नॉट आउट ही रहने देते हैं। सिराज दोस्तों दूसरी तरफ पूरी तरीके से शॉर्ट थे, ये खिलाड़ी आउट है। और दोस्तों, सिराज से ज्यादा जो शॉर्ट थे वो और कोई नहीं बल्कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा थे, जिन्होंने 1 या 2 क्षण के लिए तो सोचा, लेकिन फिर सीधा DRS लेने का इशारा कर दिया। और दोस्तों, वहां से शुरू हुआ भारतीय क्रिकेट टीम को पहले विकेट मिलने का सफर। दोस्तों, जैसे ही मामला थर्ड अंपायर की तरफ जाता है तो देखा जाता है कि गेंद पिचिंग इन द लाइन है और साथ ही साथ जाकर ऑफ स्टंप को टारगेट भी कर रही है, जिसके बाद दोस्तों थर्ड अंपायर के कहने पर मैदानी अंपायर को भी अपना फैसला बदलना पड़ जाता है और आउट दिया जाता है उस्मान ख्वाजा को। और दोस्तों, यहां से मिलता है भारत को पहला विकेट मात्र 2 रन पर। दोस्तों, 2 रन पर पहला विकेट गिर जाना, वो भी ऑस्ट्रेलिया का, आप अंदाजा लगा सकते हैं ये भारत के लिए कितनी ज्यादा बड़ी सफलता थी जो सिराज की इस गेंदबाजी से तो मिली ही, साथ ही रोहित शर्मा के उस चमत्कारी DRS की भी तारीफ बनती है जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। और साथ ही साथ इतने सटीक DRS को देखेंगे तो सबको ये तो लगेगा ही कहीं ना कहीं रोहित शर्मा धोनी तो नहीं बनते जा रहे। खैर दोस्तों, रोहित के इस DRS ने दिल तो जीता है, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, रोहित कोहली और धोनी में सबसे बेहतर कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।